थाना मुगलसराय चंदौली गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों पर कहर बनकर टूटी चंदौली पुलिस। थाना मुगलसराय पुलिस अधीक्षक चंदौली डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अनिरुद्ध सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय श्री विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा संख्या 310/2023 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना अली नगर जनपद चंदौली में वांछित अभियुक्त व 25,000 रुपए का इनामिया इशहाक पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी तलाब तिवारी थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज उम्र करीब 52 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु बार बार दबिश दिया जा रहा था एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया। मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त इसहाक उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 23/4/2024 को समय करीब 10:15 पर चंदासी मंडी पोखरा के पास ही मंदिर से गिरफ्तार कर लिया। नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। जिला चंदौली से ब्यूरो चीफ यासीन खान की रिपोर्ट। मैं अनिरुद्ध सिंह क्षेत्राधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली। मुगलसराय पुलिस को मुखबिर की सूचना पर आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 25,000 का इनामिया गौ तस्कर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी संबंधित अन्य वैधानिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। यथाशीघ्र ही अभियुक्त को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।